अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो ना आज है सुपर फ्राइडे और सुपर संडे, और लिटरली इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे क्योंकि आज है पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का फाइनल। और ये जो इंडिया वाले बोल रहे थे ना काफ़ी ज़्यादा कि पाकिस्तान ये है वो है, और कुछ इंडिया वाले नहीं हमारे बंदे ही बोल रहे थे, जो हमारे तजियाकार जो टीवी पे बैठे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान ने सबको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया और फाइनल में चले गए। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ना यार अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनल देखने सिनेमा में, अलग रहे सिनेमा की टिकट मिल जाए तो ठीक है, वरना स्क्रीन लगी है उधर देखने। सो स्टे ट्यून, पूरा ब्लॉग देखना और अभी चलते हैं यार। और बहुत यार मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देर हो रही है, सारे मेरे फ्रेंड नीचे इंतजार कर रहे हैं। सो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ चल के। पाकिस्तान मैच जीत जाए और बारिश भी ना हो। इनिंग खत्म हो गई है और हम लोग गए थे खाने के लिए कुछ ऊपर ना, और सीन कुछ ऐसा हो गया है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि जगह बिल्कुल भी नहीं, आप मोबाइल पे देख रहे हैं फूड कोर्ट में बैठ के। सो स्टे ट्यून्ड। और पाकिस्तान ने टारगेट दिया है 138 समथिंग का ना, मतलब ये बहुत कम टारगेट है। और अभी शायद 3 विकेट्स हो चुके हैं, 2 हारिस ने लिए और 1 शाहीन शफीक ने लिए। सो स्टे ट्यून्ड, पूरा ब्लॉग देखो, फिर देखते हैं अल्लाह करे जीत जाए पाकिस्तान। Literally, bad, 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 bad
सैडली, लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। और मतलब शाहीन की इंजरी के बाद जब इफ्तिखार ने एक ओवर में 12 रन लिए ना, उसी वक्त हार गया था खैर। और वसीम ने 16 रन लिए, लेकिन सेकेंड ओवर के अंदर वसीम ने भी अमोई अली की विकेट ली, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 10 विकेटों से नहीं हारे और 16 ओवर में नहीं हारे। बेस्ट परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला। तो बस चलते हैं, घर चलते हैं, मैं जुटूंगा खत्म। भैया मैं घर आ चुका हूँ और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो है पाकिस्तान मैच हार गया है, लेकिन कुछ और साबित हो गया ना हो, इस वाले जो मैच से साबित हो गया है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है ना, बेस्ट इन द वर्ल्ड। लिटरली बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई पाकिस्तान ने, बैटिंग भी इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी है। लेकिन यार फाइव एक क्रिकेट जो था ना, ये मैच अच्छा खेला। ऐसा नहीं था कि 16 ओवर के अंदर ही इंग्लैंड ने मैच ख़त्म कर दिया हो, या कोई 10 विकेटों से ही हम लोग क्या हार गए हों। बेस्ट था, बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा था, इंग्लैंड ने भी काफ़ी अच्छा खेला। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लैंड। और बाकी अब बस इस वाले ब्लॉग को यही एंड करते, पता नहीं कैसा बड़ा का लंबा ब्लॉग बना है, छोटा ब्लॉग है, बहरहाल इस वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।